आएगी। लेकिन 200 बीघा जमीन की कीमत तो करोड़ों में होगी। मुखिया की जमीन हाईवे के बगल में है मंगतलाल, उसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ यश, सिर्फ 10 करोड़। 25 करोड़ रुपए से कम में नहीं मानूंगा मैं, नहीं तो तुम अपना काम किसी और से करवा सकते हो। मुझे पता था मंगतलाल कि तुम एक नंबर के लालची व्यक्ति हो, और मुझे यह भी पता था कि तुम इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए ही मांगोगे। लेकिन मत भूलो, मैं चाहता तो तुम्हें नहीं बताता कि आखिर मैटर क्या है। और तुम ये भी जानते हो कि मैं कोई भी काम करने से पहले मामले की जड़ तक पहुंचता हूं। ऐसे ही अब तक कानून की नजरों से बचता हुआ नहीं आया हूं मैं। पिछली बार शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजन कसाना के घर पर बम ब्लास्ट मैंने ही करवाए थे, आज तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है मंगतलाल, लेकिन तुम अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। मत भूलो कि पुलिस आज भी तुम्हारे गांव की सीमा के आसपास घूमती रहती है। और वो मेरे गांव की सीमा के आसपास ही घूमती रहेगी, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत देने को तैयार हूं। तुम्हारे अकाउंट में आज शाम को 25 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। यश ने एक मोटा बैग मंगतलाल के हाथ में थमा दिया। इस बैग को मुखिया के घर पर रख देना। इतना बोलकर यश वहां से जाने ही वाला था कि तभी वह किसी को देखकर चौंक गया। सामने पुट्ठा खड़ा था। पुट्ठा को देखकर तीनों के पसीने छूट गए। पुट्ठा, तू यहां कब से खड़ा है? मैंने तुझे घर जाने के लिए बोला था ना? क्या आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था? शायद मैं फिर भूल गया है। पुट्ठा, तू तो हमारी आंखों के सामने चला गया था ना? लेकिन मैं तो सीधे घर से अभी आया हूँ, तो आपने मुझे जाने के लिए कब बोल दिया? कभी कभी तो ऐसा लगता है मंगत भैया कि पुट्ठा को जान से मार दो। हाँ। ये नमूना कौन है? इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। ये हमारे लिए खतरा है। पागल मत बनो, ये मेरे ही गांव का भुलक्कड़ पुट्ठा है, इसे भूलने की आदत है। तभी मंगतलाल के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। वह बम वाला वही बैग पुट्ठा को पकड़ाते हुए बोला, पुट्ठा तुम काम पर कल से आना, आज नहीं। और हाँ, इस बैग को मुखिया जी के घर याद से दे देना, तुम्हें याद तो रहेगा ना? जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं इस बैग को बल्ली के घर दे दूंगा। बल्ली के घर में नहीं पुट्ठा, मुखिया के घर पर दे आना, इस बात को मत भूल जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी शर्मिली से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शर्मिली का नाम सुनते ही पुट्ठा के माथे पर पसीना आ गया। जी जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं सारी बात भूल जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं भूलूंगा कि मुझे इस बैग को मुखिया के घर पर छोड़ कर आना है। अब ये क्या किया तुमने मंगत भैया? इस बैग में तो बम है, मूर्ख, बैग किसी दूसरे को ना पकड़ा दे या अपने ही घर पर ना रख दे। तुम्हें हो क्या गया है मंगतलाल? तुमने एक भुलक्कड़ आदमी को इतना खतरनाक काम सौंप दिया। तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ये पुट्ठा है, मैं इसे बहुत सालों से जानता हूँ, ये सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कभी भी मेरा नाम और अपनी पत्नी शर्मिली का नाम नहीं भूलता। तुम लोगों ने देखा नहीं, शर्मिली का नाम सुनते ही ये कैसे डर गया। अब ये मुखिया के घर पर बैग पहुंचा देगा और मुखिया अपने परिवार सहित बम धमाके से मर जाएगा, और सारा का सारा इल्जाम पुट्ठा के ऊपर लगेगा, और पुट्ठा को ये याद भी नहीं रहेगा कि ये बैग मैंने उसे दिया था। लेकिन अब करना क्या है? कुछ नहीं, तुम यहीं पर ठहरो यश, मैं और संपत पुट्ठा के पीछे जाते हैं। पुट्ठा जैसे ही इस बैग को मुखिया के घर पर देगा, मैं दूर से रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा। चलो संपत। संपत और मंगतलाल पुट्ठा के पीछे लग गए, मगर उन दोनों ने देखा कि पुट्ठा मुखिया के घर के करीब जाकर अचानक रुक गया। मंगत भैया ने ये बैग किसके घर पर देने के लिए बोला था? ये तो मैं भूल ही गया। अगर मैं वापस गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आज मैं किसी भी कीमत पर गलती नहीं करूंगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, पहले सोचता हूँ, सोचने से मुझे जरूर याद आ जाएगा कि मंगत भैया ने ये बैग मुझे कहाँ देने के लिए कहा है। इतना कहकर पुट्ठा गहरी सोच में डूब गया। अचानक वह बड़बड़ाते हुए बोला, मुखिया जी, नहीं नहीं, मंगत भैया ये बैग मुझे मुखिया जी के यहाँ पर क्यों देने के लिए कहेंगे? मेरा ख्याल है
कि उन्होंने आईजी को ये बैग देने के लिए बोला है। अरे अरे मुझे सब याद आ गया, हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से आईजी साहब कुछ पुलिस वालों को लेकर घूम रहे हैं। जरूर ये बैग मंगत भैया ने आईजी के यहाँ पर देने के लिए बोला होगा। इतना कहकर पुट्ठा सीधे गांव की पुलिस चौकी की ओर मुड़ गया। पुट्ठा को पुलिस चौकी की ओर जाता देख संपत और मंगत लाल के पसीने छूट गए। अरे मंगत भैया ये कहाँ जा रहा है, इसे रोको। अबे पागल हो गए हो क्या, अब अगर इसके साथ हमें किसी ने देख लिया तो हमारी पोल खुल सकती है। अगर इस भुलक्कड़ ने ये बैग पुलिस के हाथ में पकड़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ से भागने में ही भलाई है। पुट्ठा पुलिस चौकी के अंदर घुस गया और उसने वह बैग आईजी के हाथ में पकड़ा दिया। आईजी उस बैग को देखकर बुरी तरीके से चौंक गया। ये बैग तुम्हें किसने दिया? इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ आईजी साहब, मुझे ये बैग मंगत भैया और संपत भैया ने दिया है और मुझसे यही कहा कि ये बैग आईजी को ही देना। आईजी ने जैसे उस बैग को खोला तो उसके पसीने छूट गए। अरे इसमें तो बम है। बम का नाम सुनते ही खलबली मच गई। पुलिस वाले पुट्ठा को अच्छी तरह से जानते थे। सर मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है, इस पुट्ठा को बोलने की बीमारी है। जरूर उन दोनों ने इसके बोलने की आदत का फायदा उठाकर ये बैग किसी के यहाँ पर भेजा होगा और गलती से पुट्ठा बोल कर यहाँ ले आया। और फिर हमारा शक तो पहले से ही मंगतलाल और संपत पर था। इस बैग में रखे बम ने हमारे शक की पुष्टि कर दी। चलो इस पुट्ठा की भूलने की कोई तो आदत काम आई। सर इसके भूलने की आदत नहीं, दो बड़े बड़े मुजरिमों को शिकंजे में फंसा दिया सर। कुछ देर बाद आईजी ने पुलिस बल के साथ संपत और मंगतलाल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद यश भी पकड़ा गया। आईजी ने पुट्ठा को गांव में सबके सामने सम्मानित किया और इस तरह उस समय के बहुत बड़े स्मगलर पकड़े गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। और इस तरह भूला राम के भूलने की आदत ने सबकी जान बचा दी।